हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने फोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको अपने फोन के अंदर अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना डायलर ओपन कर लेते हैं, राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक नंबर्स, इस पर जाएंगे। तो यहाँ से आपको अननोन नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है तो वो आप यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। अगर आपको कोई पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है या कॉन्टैक्ट की कॉल ब्लॉक करनी है तो रिसेंट नंबर की यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट की तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है तो यहाँ जाएंगे और अपना नंबर ऐड कर देंगे जिसकी भी आपको कॉल ब्लॉक करनी हो। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल रिकॉर्ड कॉल्स पर जाएंगे। यहाँ से अपने फोन के अंदर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से इसे ऑन कर देंगे, इसे ऑन करने के बाद आपके फोन के अंदर जो कॉल रिकॉर्ड होती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ से आप अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कॉल्स, जो भी कॉल आपने रिकॉर्ड की होंगी वो सारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। जो आपको रिकॉर्डेड कॉल है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से इन्हें आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड। कॉल बैकग्राउंड पर जाएंगे, जैसे आपके फोन के अंदर कोई कॉल आती है तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ये वीडियोज है, अगर आपको और चेंज करना है तो यहाँ से आप इस पर जाएंगे बैकग्राउंड पर। यहाँ आपको और बहुत सारे बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। जैसे इसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इस प्रकार से डांसिंग वीडियो। इस प्रकार से अपनी बैकग्राउंड में जो भी आपको यूज करनी है यूज रिंगटोन के साथ इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। नीचे आपको कॉलर आईडी एंड रिंगटोन मिल जाती है, कॉलर इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन देखो मिल जाता है वाइब्रेट एंड आंसर। जैसे ऑन कर देंगे तो आपकी कॉल आंसर करेंगे तो वाइब्रेट होगा, कर रहा है वाइब्रेट बैंड कॉल। जब आपकी अपनी कॉल एंड करेंगे तब भी आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होगा। प्ले टोन एंड कॉल कनेक्ट, जब आपकी कॉल कनेक्ट होगी तब भी आपके फ़ोन में एक टोन प्राप्त होगी आपके लिए। सारी सेटिंग मिल जाती है। साउंड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जो भी साउंड आपको चाहिए यहाँ से इन्हें आप ऑन ऑफ कर सकती हैं। नीचे आपको रिंगटोन मिल जाती है, कॉल वाइब्रेट एंड पैटर्न मिल जाता है जिन्हें अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आप इन्हें यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इन्हें आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आंसर एंड डिक्लाइन की कॉल मिल जाती है, आंसर ऑन एंडिंग कॉल। जैसे आपके फ़ोन के अंदर किसी की कॉल आ रही है और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन उसका नाम लेके बताए तो आप इसे ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन उसका नाम बताएगा जिसकी कॉल आ रही है। आंसर ऑटोमेटिकली ये अपने फ़ोन के अंदर, जैसे आपने ब्लूटूथ हेडफोन कुछ भी कनेक्ट हुआ तो आपके 10 सेकंड बाद कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी जब इसे ऑन रखेंगे। तो प्रेस पावर बटन, पावर बटन से आपकी कॉल आंसर कर सकते हैं। आपको साइड की से अपनी कॉल एंड कर सकते हैं, पावर बटन से अपनी कॉल एंड कर सकते हैं। और जो वॉल्यूम बटन है उससे अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इन्हें किसी की फ्यूचर को, अगर जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है बाई चांस फ्यूचर में, तो यहाँ जाके आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इन्हें ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है क्विक डिक्लाइन मैसेज। इससे क्या होता है, जैसे आप कहीं बाइक पे हो, कार में हो, मीटिंग में हो, किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी मैसेज अपना सेट कर लेंगे एक बार में, आप फिर आप बार बार उसे भेजते रहेंगे यहाँ से। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल डिस्प्ले यूजिंग ऐप। जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये मिनी पॉपअप है, जब आपके फोन के अंदर कॉल आए तो आपके इंटरफेस कैसा शो होना चाहिए। यहाँ पे मिनी पॉपअप है, यहाँ पे आप स्मॉल पॉपअप देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको फुल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ पे से सेट कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस मेल भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। सप्लीमेंट्री सर्विस में जाएंगे तो यहाँ से आपको अपने फोन के अंदर ही बोल रहा है इंसर्ट सिम कार्ड नहीं है इसमें अभी, तो यहाँ से आप अपने फोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं और कॉल वेटिंग को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपनी कॉल वेटिंग और कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे आपको अदर कॉल सेटिंग मिल जाती है, इसमें जाएंगे। इसमें हमारे सारे ऑप्शन हैं जो आपको अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको जरूरत हो तो यहाँ से आप अपने यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से नीचे आपको अबाउट मिल जाता है, अबाउट में आपको कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से गाइस ये थी हमारे फोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।